अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह जो SEO है उसे कंप्लीट बेसिक से लेके कंप्लीट एडवांस तक सीखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेंबर पूछता है, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर दूँ ताकि आप लोगों की गाइड अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कोर्स है, सबसे पहले हमें SEO की सारी थ्योरी समझनी होती है, और थ्योरी के मामले में मेरा जो अपना कोर्स है वो मैं समझता हूँ कि वीक है। मतलब थ्योरी के लिए मैंने सोचा हुआ है एक अलग-अलग कोर्स लॉन्च करने का, SEO फॉर बिगनर्स, वो भी इंशाल्लाह इस अगले मंथ में लॉन्च करेंगे, और उसमें भी एटलीस्ट 30-40 वीडियोज़ होंगी जिसमें सारे कंसेप्ट समझेंगे हम SEO के। तो ये थ्योरी के रिलेटेड है, इसके हैं 211 लेक्चर्स हैं, तो इन्हें आप देखें ताकि आपकी थ्योरी सारी क्लियर हो जाए काफ़ी हद तक। उसके बाद मेरी एक सीरीज़ है SEO फ्रॉम स्क्रैच, इसके लगभग अब 60 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप इन्हें देखें। तो इन 60 वीडियोस को अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छी एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं और आपको SEO की भी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। इस वीडियो में हम कीवर्ड को रैंक करते हैं और वेबसाइट की सारी सेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद SEO इंटरमीडिएट, इसमें जितने भी SEO की थ्योरीज हैं और प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च वगैरह जो भी मेरी चीज़ें मैं कोर्सेज वगैरह से सीखता रहता हूँ वो मैं सारी इसके अंदर ऐड करता रहता हूँ। मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप SEO को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। उसके अलावा SEO एडवांस्ड में बेसिकली मैं वो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और अभी तक SEO की दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके बाद जो आपको सीखना चाहिए वो है स्कीमा SEO। तो स्कीमा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रैंकिंग फैक्टर भी है और CTR को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी टोटल 21 वीडियोज़ हैं, 21 वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद टेक्निकल एसईओ को जितना कहा जाए उतना ही मतलब आखिर हद की इम्पोर्टेंट SEO है। आजकल आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो पेनलाइज हो रही हैं, सॉरी पिनलाइज हो रही हैं, तो वो उसकी वजह यह है कि वो SEO के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो वहाँ वो SEO के मसले फाइंड करने और उन्हें फिक्स करने के लिए हम टेक्निकल SEO ऑडिट करते हैं और इश्यूज फाइंड करके फिर उन्हें फिक्स करते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं इशू फाइंड करना भी सिखाता हूँ और फिर उन्हें फिक्स करना भी। उसके बाद लोकल SEO भी बहुत काम की चीज़ है, इसमें लोकल बिजनेसेस को रैंक करना। इस सीरीज़ में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरह गूगल माई बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बैलेंस्ड हैं, मतलब दोनों चीज़ें आप भरपूर तरीके से सीखेंगे। तो उम्मीद है इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक लोकल वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर आप प्लगइन्स वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखें। लोकल के लिए आप लोकल बाय फ्लाईव्हील एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, या M6 सॉफ्टवेयर है, या और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, XAMPP इस तरह करके, तो वो इंस्टॉल करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और फिर जो प्लगइन्स वगैरह हैं उन्हें कॉन्फ़िगर करना सीखें, SEO वहाँ से स्टार्ट करें। तो उम्मीद है आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।